तू नहा नहीं रहा जा नहा ले। वो कहेगा नहीं मैं तो मुँह हाथ धो के जाऊँगा, फिर नहीं नहा के जा। जिद पे दोनों में बहस होगी ना, अंततः अगर बच्चा जिद पे अड़ गया तो वो मुँह हाथ धोकर स्कूल चला जाएगा। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमने अपने प्रश्नों को थोड़ा ठीक करना है। किसे ठीक होने की आवश्यकता, हमें ठीक होने की आवश्यकता। हम बच्चे से ये बात पूछेंगे ना, बेटा गर्म पानी से नहाएगा या ठंडे से, तो बच्चा तुरंत बोलेगा मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होगा कि नहाना या नहीं नहाना, वो सीधे सीधे कहने वाला कि मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। और नहाकर चुपचाप बिना कहे, बिना संघर्ष के, बिना किसी टकराव के, वो नहाकर चुपचाप अपने स्कूल चला जाएगा और सारे कामों को करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम अपने बच्चों को समझाते हैं, सुन जब बच्चा स्कूल जाता है तो लोग अपने बच्चों को क्या समझाते हैं, सुनो भाई तुमने यहाँ से सीधा स्कूल जाना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये जो बाहर इधर उधर मटरकश्ती करते रहते हो, जो लोगों के बीच में बैठते हो, किसी बात में ध्यान नहीं देना, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अपना टारगेट निश्चित रखो कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, और किसी पर ध्यान नहीं देना। अच्छा होता क्या है, इसका परिणाम क्या है, जब वो बच्चा सक्षम हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और कामयाब हो जाता है, फिर शिकायतें आती हैं कि अच्छा यार हमारे बच्चे तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते, हमें मदद भी नहीं करते, हमारे बच्चे हमसे अलग होते जा रहे हैं, परिवार टूटता जा रहा है। भाई अब चिंतन का विषय है कि आपने उस बच्चे को सिखाया क्या। सिखाया तो आपने ये था कि केवल अपने पे ध्यान देना, किसी पे ध्यान नहीं देना। उस किसी में आप भी आते हैं, आप इस समाज से अलग नहीं है, इसी समाज के अंग हैं। नौवीं में पाठ आता है ना, क्या मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और इसी समाज के अंग हैं। अगर हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि किसी से मतलब नहीं रखना, चाहे तेरा चाचा हो, ताऊ हो, पड़ोसी हो या समाज का व्यक्ति हो, तो उस किसी में हम भी आते हैं। शिक्षा के दो भाग हैं, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और एक सामाजिक क्वालिफिकेशन है। जो सामाजिक ज्ञान है, जो पहले बड़े बुजुर्ग रात्रि के समय में परिवार के लोगों को लेकर बैठा करते थे और समाज की बातें समझाया करते थे। अब परिवारों में कितना होता है समाज की बातें समझाने का समय, किसी के पास है ही नहीं। कितने लोग अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है इस परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति और इस देश के प्रति। आने वाला भविष्य, कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य तो तब पता चले, तब होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा ये देश तुम्हारा। वो तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड वगैरह के सपने देखते हैं और ये सपने हम दिखाते हैं उनको। देश को संभालेंगे कैसे, उन्हें तो समाज भी नहीं संभालना और ये परिवार भी नहीं संभालना, क्योंकि हम उन्हें बताते ही नहीं। वो जो 50% सामाजिक क्वालिफिकेशन है, हम कितनी देते हैं परिवारों में, हम केवल 50% जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जो सामाजिक क्वालिफिकेशन है, सामाजिक जो ज्ञान है, या तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को दें, या उन जगहों पर अपने बच्चों को लेकर जाएं जहां से उन्हें सामाजिक ज्ञान मिलता। जैसे उदाहरण के तौर पर यही पर समझ लेते हैं, JPSS का ये कार्यक्रम है, इससे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। ये सदस्यों का कार्यक्रम नहीं है कि JPSS में जितने सदस्य हैं उनका कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे उपस्थित हैं जो उसके सदस्य नहीं हैं लेकिन सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। खुद चिंतन करने की आवश्यकता है। परिवार कोई नहीं, समाप्ति की ओर हूं। हमें खुद चिंतन करने की आवश्यकता है। सामाजिक जो परिवार होता है, कहते हैं ना जब किसी बेटी की शादी होती है परिवार में समझाते हैं या बेटे को भी समझाते हैं, भाई आप गाड़ी के तो पहिए हो, ठीक है ना, पति पत्नी गाड़ी के तो पहिए होते हैं और दोनों पैर बराबर होते हैं, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, दोनों की ताकत, दोनों की महत्व बराबर होता है। कितने लोग हैं जो अपने साथ अपने उस जीवन साथी को जो आपके साथ हर चीज में भागीदारी लेकर चलते, आपस में झांक कर देख लेना, महसूस कर लेना। अब उसके बाद
जब हम अपने जीवन साथी को ही अपने साथ लेकर नहीं चलते, उसको ही समाज में कोई सम्मान नहीं दिलाना चाहते, हम उसकी उपस्थिति समाज में दर्ज ही नहीं कराना चाहते। अब चिंतन करने की आवश्यकता है, क्या हमारे परिवार के उन बच्चों की मौजूदगी दर्ज होगी समाज में? नहीं, सीधी सी बात है, नहीं होगी। क्योंकि सामाजिकता की बात न तो हम अपने दूसरे साथी को सिखाते हैं, ना परिवार को सिखाते हैं। ये चिंतन का विषय है, समझने की आवश्यकता है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इतिहास खुद जवाब है, उस पर जवाब नहीं होते, और मिट्टी की कोख में उतरे बिना गुलाब नहीं होते। तिल तिल करके खुद को जलाना पड़ता है, मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं हम लोग। हमें उसमें भागीदारी लेनी है। मेरी उम्र 50 साल है, लगभग मेरी उम्र के लोग हैं, मुझसे सीनियर बहुत सारे लोग हैं। हमारे बाद आने वाली जनरेशन ने इस जिम्मेदारियों को निभाना जो संघर्ष इस समय चल रहा है, वो उसको हमने तैयार किया है क्या? उसको हम कितना तैयार करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो भूताय। रमेश सागर जी ने काफ़ी कुछ एजुकेशन एकेडमिक और सामाजिक जिम्मेवारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया, लेकिन एक चीज़ की कमी मुझे ही महसूस होती है। जब किसी संस्था को चलाने के लिए, संकल्प को चलाने के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आगे आए और कुछ जिम्मेवारी लें, कि कोई भी आदमी जिम्मेवारी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। किसी भी संकल्प को चलाने के लिए, जिम्मेवारी लेने के लिए कुछ लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा, तभी कोई संस्था संकल्प चल पाएगा, तभी समाज का कुछ विकास, समाज का कुछ उत्थान हो पाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्री एन के चंदन जी, बहुत बड़ी हस्ती श्री एन के चंदन जी, जो हमारे समाज से हैं, जो प्रेसिडेंट हैं डिक्की में, डिक्की के प्रेसिडेंट हैं, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे कि फिक्की होता है उसी तरह से हमारे समाज में एक डिक्की बनी है, दलित चैम्बर ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री चंदन जी से रिक्वेस्ट करूँगा आपको बाबा साहब और बाबा के बुद्ध के चरणों में सदा समर्पित करें श्री चंदन जी, और हम इनका स्वागत करते हैं, एक बार तालियों से इनका स्वागत करते हैं श्री चंदन जी का, क्योंकि डिक्की के प्रेसिडेंट हैं। कोई भी आदमी किसी तरह का बिजनेस चलाता है और अच्छा उनका टर्न ओवर है तो इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसी तरह से ये समाज की सेवा करते रहते हैं। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर धनंजय सिंह जी के साथ में हैं श्री पदम सिंह वरुण जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और पोस्ट मास्टर हैं गाजियाबाद में। हम उनका JPSS के फंक्शन में स्वागत करते हैं और उनको आमंत्रित करता हूं कि कम से कम शब्दों में बाबा साहब के बारे में और समाज के बारे में उनके विचार रखें। श्री पदम सिंह वरुण जी, थैंक यू। आज का खूबसूरत संचालन कर रहे भाई को मैं आज अपने दिल की गहराई से उनका स्वागत और नमन करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम को रूबरू लोगों के दिलों की आत्मा तक पहुँचाने का काम सबसे पहले अगर कोई करता है तो संचालक करता है। आइए दोस्तों, बहुत सारे वक्ताओं के विचारों को मन से सुन रहा था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी बात कहूं, लेकिन मजबूर हूं, मैं उनके आदेश का पालन करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं आज के आयोजक जाटा प्रगतिशील संस्था को मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसा काम किया है कि जो वास्तव में समाज के लिए एक अग्रणी भूमिका तैयार करेगा और हमारे समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्योंकि वैचारिक क्रांति, आप सब सक्षम बैठे हैं, हर क्षेत्र से बाबा साहब के सिपाही और हमारे बीच मातृशक्ति बैठी है। और दोस्तों, हम सब लोग बात करते हैं, मैं तो आज सुनने के लिए आया था, मैं फिर याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं कुछ कहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे जो नवाजा गया वो मेरी सरकारी सेवाओं के और समाज के कुछ पलों की वजह से मुझको जो रूबरू करने का काम किया हमारे संचालक महोदय ने, तो मैं खुद आकलन करना चाहता हूँ अपने जीवन का। बाबा साहब को जब हमने अपने बुजुर्गों से सुना, मैं साक्षात अभी पुराने हापुड़ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी जो जन्मभूमि है वो
डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, लेकिन हापुड़ में हम बहुत पहले से रहने का काम करते थे और मेरा छात्र जीवन और जो भी सरकारी सेवाओं में आने का काम वो मुझे हापुड़ की सरजमी से मिला और कूट कूट करके भरा हुआ है। कई शख्सियत हमें आज मैं याद करता हूँ मन से अपने उन तमाम बुजुर्गों को कि जिन्होंने हमें अपना मन से हमें मार्गदर्शन किया और अपनी प्रेरणा के द्वारा हमारे अंदर वो विचार, बाबा साहब के वो सपने, बाबा साहब का वो कारवां हमारे अंदर कूट कूट करके भरने का प्रयास करता किया। मैं ऐसे सभी अपने महापुरुषों के साथ साथ मैं उन तमाम अपने बुजुर्गों को भी नमन करता हूं और आगे प्रयास करता हूं कि मैं अपना आकलन करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं एक ही बात से शुरुआत करूंगा कि हमें डरना नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमें अपनी बात करने से पहले हमें सोचना होगा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। हम उस शेर की जो है संताने हैं, हम उस शेर को आकलन करने वाले लोग हैं कि शहीद अमर ऊधम सिंह जैसे शख्सियत के हम नुमाइंदे हैं कि जिसने 22 साल से भी ज्यादा के उस जश्न को, उस मन की इच्छा को जाकर के झंडे डार को मारने का काम किया। तो आप डरने का काम कर रहे हैं, मैं नहीं डरता दोस्तों, मेरी अपनी इच्छा। बाबा साहब अगर किसी से डरते तो क्या हमारे पैरों की बेड़ियों को काटने का काम कर पाते? आज हमें सोचना होगा। मैं स्वयं से आकलन कर रहा हूं, मैं आप लोगों से गुजारिश ही कर सकता हूं, ये आने वाली कल की हमारी संतान बैठी है, ये हमारा भविष्य बैठा है कि अगर ये हमारे अंदर कुछ चीजें देखेंगे तब अपने अंदर जो समाने का काम करेंगे। मेरे दोस्त सागर साहब ने और मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर अपनी बातों को देने का काम किया, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। और मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ कि सरकारी सेवाओं में सन 77 से पहले जब कोई भी हमारा बंदा राजनीति से दूर रखने का काम किया जाता था, उसी समय हमारे अंदर कूट कूट कर भर जा गया था कि राजनीति करो, डरो मत। लेकिन आज अफसोस करते हैं कि हम बच्चे को ये कहने का काम करते हैं कि सामाजिक बात तो देख, मैं करने के लिए तैयार हूं, भाई राजनीति से कोई तरह लेना देना। अगर हमारे बीच में नेता नहीं होंगे तो बाबा साहब का सपना अधूरा जो सपना है, बाबा साहब जो पवित्र संविधान को देकर के हम लोगों गए हैं वो कैसे पूरा होगा। और मैं एक चीज से शुरुआत कर रहा हूं कि 125 मुझे नई फिगर समझ में आ रही कि 125 नुमाइंदे जो बाबा साहब के संविधान को अपना साक्षर मान करके लोकसभा और विधानसभाओं में जो लोग बैठे हैं, समाज के ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आ रही है और आज एक का भी स्टेटमेंट नहीं है। शर्म महसूस करता हूं कि ऐसे लोगों को हम बहिष्कार करने की अपने अंदर जो एक लालसा पैदा करें, ऐसे लोगों के लिए हम समझाने का काम करें कि राजनीति बात की चीज है। बाबा साहब का एक मूल मंत्र था, वोट हमारा अधिकार है, तो वोट हमारे पास है। आप किसके लिए डरते हैं? ये जब आपके दरवाजे पर आए, और दोस्तों मैं एक बात कहने से नहीं चूकूंगा क्योंकि मैं खुद अपने जीवन का आकलन कर रहा हूं कि मैंने बाबा साहब को कितना माना, मैंने बाबा साहब के विचारों को कितना अपने परिवार में दिया, मैंने अपने अंदर किन किन चीजों की कमियों को दूर करने का काम किया। मैं स्वयं से कर रहा हूं, मेरे जो है 2020 में मेरा रिटायरमेंट है। मैं आज आप सबके बीच में वादा कर रहा हूं अपने मंच पर कि 2 साल पहले मैं अपना जो LRS लेने का काम कर रहा हूं कि 2 साल जो मेरे जो अपने संयमता के जिस काम को मैंने आज तक नहीं किया होगा मैं 2 साल से पहले ही शुरू कर दूंगा, ये वादा मैं आपसे करता हूं। बहुत काम है। ये बच्चे कैसे माने कि बाबा साहब कौन थे? हमने कभी बताने का काम नहीं। बाबा साहब को एक पीड़ा हुई थी उस समय, मेरे दोस्तों मेरे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं मेरे से ज्यादा, आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ मैं याद कर रहा हूं, मैं खुद अपने जीवन का आकलन कर रहा हूं, ये मैं आपसे पहले कह चुका, 2 मिनट 10 मिनट मेरे लगेंगे। मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये सब आप लोग जानते हैं। कड़वा सत्य है, कुनेन की गोली है, बाबा साहब की अगर नहीं खाओगे तो बीमार रहोगे, अगर खा लोगे तो आगे के आने वाले बच्चों का जीवन बेहतर बनाने का काम करके जाओगे, ये मेरी अपनी ऐसी विश्वास है। मैंने कितना माना है उनकी बात को कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया,
क्या वास्तव में हमें आकलन करना चाहिए कि हम स्वयं से आकलन करें कि मैंने बाबा साहब को वास्तव में धोखा दिया? दोस्तों, जब हमारे मसीहा इस बात को पीड़ा को झेल करके चले गए हैं और वो आज हमारे बीच नहीं है, तो कभी क्या हम आकलन करते हैं कि बाबा साहब को ये बात क्यों उनके दिल में आई, क्यों उनके मन में आई इतने संघर्ष के बाद कि पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया है? आज नौकरी की बात करते हैं। अरे जिन हमारे बुजुर्गों को नौकरी नहीं मिली, उन्होंने हमें IAS PCS हमें बेहतर से बेहतर नेता बनाने का काम किया, क्या वो सरकारी नौकरी नहीं करते थे तो हमें पालने का काम नहीं किया गया? दोस्तों, नौकरी तो मिल गई, हमें सूट तो मिल गई, बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास सफारी में होते हैं, बढ़िया तरीके से 3-पीस में होते हैं और बहुत बेहतर तरीके से शादी ब्याहों में हम अपनी जो आकर्षण का केंद्र बनते हैं, जो हम अपनी मेहनत की कमाई का जो अंश वहां पर बर्बाद करने का काम करते हैं, कभी हमने आकलन किया? जब हमारे माँ बापों ने उस रिजर्वेशन को लेकर के हमें समझाने का काम किया और नौकरी की नहीं की, तो हमें उन्होंने भूखा थोड़ा ही मार दिया। जब उन्होंने हमें भूखा नहीं मारा और हमें IAS PCS बना दिया, तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकारी नौकरी जिस दिन नहीं होगी, क्या आप लोग रोटी नहीं खाएंगे? इसलिए नौकरी का दिमाग से भूख निकाल दीजिए। अभी गाजियाबाद के अंदर एनके चंदन साहब जरा नहीं पहुंच पाए थे, तो बच्चों के लिए इतना बढ़िया प्रयास किया गया, बच्चों के लिए कैरियर, बिजनेस कैरियर वर्कशॉप कराई गई, कितना सुंदर आयोजन था। मैं उनको भी बहुत तहे दिल से जो उनका सम्मान करता हूँ, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। नौकरी में कुछ नहीं रखा, नौकरी में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। अभी मेरे वक्ता ने कहा था कि कोई भी बात हमें ऐसी नहीं कहनी जो हमारा जो दुश्मन तैयार बैठा है कि वो कहीं हमें चार्जशीट ना दे दे, कहीं हमारे खिलाफ कोई केस ना कर दे। अरे दोस्तों, बाबा साहब अगर उस समय सोच लेते, उनके सामने तो हमारे इस समय के हिसाब से 100 से कुछ% जो है काम जो ऐसा हुआ था कि बाबा साहब तो कुछ भी नहीं कर पाते, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, तो फिर हम काहे की परवाह कर रहे हैं? अरे करोड़ों लोग हैं। 2 तारीख को अभी आपने अंगड़ाई ली थी, तो ये हाल है। जिस दिन बाबा साहब की बात को मेरे दोस्तों मानने का काम किया जाएगा, उस दिन ये जो है रात और दिन एक हो जाएंगे, धरती जो है ना बाबा साहब की जो ये जो है अमन चैन से नहीं रह सकती। तो हमें समझाने का काम तो हमारे साथी लोग करते हैं। मैं शर्म महसूस करता हूँ और मैं उनका निंदनीय प्रस्ताव पास करता हूँ स्वयं का है कि जो हमारे 125 लोग हैं, जो हमारे MLAs हैं, जो हमारे पार्षद हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी बाबा साहब के प्रति सम्मान है, तो आज वो महसूस करें कि जो बात बाबा साहब ने कही थी कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, तो मैं भी अपने अंदर अगर मैंने कोई धोखा उन्हें दिया होगा, तो मैं सम्मानपूर्वक आज से ही प्रयास करूंगा, आज से ही मैं जो प्रण करूंगा कि मैं बाबा साहब की उस दुखद कथन को मैं आगे सुधारने का काम करूंगा। और कोई भी किसी को ना कहे, ये संस्था इतने बढ़िया तरीके से आज आयोजन कर रही है, हमें सराहना चाहिए। हमें अपने जो भी हमारा तन मन धन से इनको सहयोग होना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता तभी है जब विचारों का आपस का सामंजस्य आदान प्रदान हो और अच्छे तरीके से हो। तो मैं इन्हीं बातों पे कह एक बात पे और मैं अपनी बात करूंगा कि बाबा साहब ने पीड़ा भी कही थी और ये भी कहा था कि ऐ मेरे अनुयायियों, मैं इस समाज के इस मिशन को बेहद मुसीबतों के बाद मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ, अगर इसे आप आगे भी ना बढ़ा सको तो मेरे अनुयायियों, इसको पीछे भी मत जाने देना। तो हमें आकलन करना चाहिए, क्या हमने उस मिशन को पीछे धकेलने के काम में कितनी सहभागिता अपनी दिखाई है, क्या हमने उस मिशन को वहीं बरकरार रखा है, क्या हम उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दमदार हैं, क्या हम अपनी भागीदारी आगे के मिशन को बढ़ाने में लगाएंगे? इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, अपने विचारों को जो है विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर बिहार अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बिहार अम्बेडकर।
उसी के साथ मैं आप सबका पुनः आभारी हूँ कि आपने मुझ नाचीज को, मुझ छोटे से प्रयास को मेरे को सुना। और मैं आज से प्रण करता हूँ कि मैं 2 साल पहले अपना DRS लेने के बाद मैं आप लोगों के बीच में किसी न किसी रूप में आता रहूँगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं सभी को जय हिंद जय भारत नमन बधाई करता हूँ। धन्यवाद वरुण जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जिस तरह से 125 MP हमारे आज पार्लियामेंट में हैं, हम लोगों को उसी तरह से उनको इग्नोर कर रहे हैं। आज हम किसी जनप्रतिनिधि को यहाँ नहीं बुलाया, उसका कारण यही है कि हमारे समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो। हमारे समाज की इतनी दुर्दशा, इतना अत्याचार हो रहा है, किसी का एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वो चाहे मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी से बिलोंग करते हूँ, लेकिन जिस तरह से 2 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था बिना किसी मीडिया के, बिना न्यूज़पेपर के, कितनी बड़ी गैदरिंग, कितना बड़ा जलसा हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया था। अगर दोबारा इस तरह की कोई कॉल आई तो ये क्या कर सकते हैं ये जानते हैं हम लोग। बिना सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ये गैदरिंग थी। हर एक सरकारी अफसर, हर एक सरकारी अधिकारी वहाँ था, मैं भी वहाँ था, अशोक जी भी वहाँ थे, हम लोग फ्रंट पर या मंच पर नहीं थे, लेकिन बड़ी खुशी हुई जिस तरह से हम लोग एकत्रित होते हैं। साथियों, हम लोगों को दोबारा इकट्ठा होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन उन्हें संघर्ष कहा था अत्याचार से लड़ने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की गरीबी दूर करने के लिए। तो हमें उसके लिए संघर्ष करना है, हमें किसी घर जाके मार पिटाई नहीं करनी है, किसी के ऊपर कोई दुर्दशा अत्याचार नहीं करना है। तो हमें बाबा साहब के उसी मसले को ध्यान में रखते हुए हमने JPSS का संगठन किया। सर, मैं आपको बता दूं, JPSS का गठन आज से 3 साल पहले किया गया था। हम पीछे 3 साल से पार्लियामेंट में भी कैंप लगाते हैं, जो पीछे 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन वहाँ करते हैं, और यहाँ से एक बस का, यही के 2 बस भी वहाँ लेके जाते हैं। तो पूरी अच्छी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं समाज को जोड़ने की, हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे। 4 आदमी हमारे साथ रहे तभी हम लड़ते रहेंगे आखिर तक, हम निरुत्साहित नहीं होंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर प्रगतिशील संघ के कैशियर और भारतीय बहुजन महासभा के कोऑर्डिनेटर हमारे भाई श्री AP सिंह जाटव जी की कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें, और वो समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दिन रात लगे रहते हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते, पीछे उनकी सेहत खराब थी। मैं उनकी सेहत की जल्दी शुभकामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय AP सिंह, बुद्ध को नमन, बोधिसत्व को नमन, और आप सभी उपस्थित लोगों का अभिनंदन, और यहाँ पे उपस्थित हमारी महिला शक्ति का विशेष आभार। साथियों, हम वो यानी बहुजन समाज को आजाद भारत एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था, जब बहुजन समाज में आजाद भारत एक खतरनाक मोड़। हमारे बीच में MMTC के हमारे दोस्त श्री RL गौतम जी, जो जनरल मैनेजर है MMTC से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो बाबा साहब के चरणों में सदा समर्पित करें। श्री RL गौतम जी, साथियों, हम वो यानी कि बहुजन समाज के लोगों को एक तसल्ली तो अवश्य रहेगी कि जब आजाद भारत एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा था, उस कठिन समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस भारत नाम की परियोजना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। भारत नाम की जो परियोजना थी उसकी जिम्मेदारी बाबा साहब ने अपने ऊपर ली, और जिस समय इस भारत नाम की परियोजना की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और इस परियोजना को एक सुंदर नक्शा बनाने का काम उनके हाथ में आया, जो बाबा साहब ने उस सुंदर नक्शे को एक संविधान के रूप में मूर्त रूप दिया, जो कि भारत का संविधान आज विश्व का सबसे सुंदर संविधान माना जाता है हमारे भारत का। बाबा साहब ने जो संविधान की इतनी सुंदर रचना की, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जितने भी देश आज़ाद हुए, दुनिया में जितने भी देश आज़ाद हुए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो बाबा साहब उन देशों के संविधान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। यानी कि बाबा साहब के
द्वारा उनके संविधान में भागीदारी रही। बाबा साहब के जो संविधान बनाया, विदेशों ने जो संविधान बनाए, बाबा साहब ने उनमें भी अपनी जिम्मेदारी दी। भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर खतरा मंडरा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, और इसकी जो पुष्टि है हमको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चार चार जजेस ने बोला, स्पष्ट बोला कि हमारी संस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो हमको बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब कह रहे हों कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी गंभीर है। दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आज़ाद भारत की नई परियोजना बनाई थी, कहीं ना कहीं वो आज खतरे में है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परियोजना किस तरीके से खतरे में है। पिछले कुछ सालों में बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। बहुजन समाज, SC वर्ग के लोगों पे तो अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर बहुजन समाज का SC ST वर्ग सुरक्षित है तो ये भारत सुरक्षित है, नहीं तो भारत भी सुरक्षित नहीं है। SC ST OBC वर्ग अगर सुरक्षित रहेगा तो ये भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए इन वर्गों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रची गई भारत नाम की इस परियोजना पर हम सब का बराबरी का हक है, और हम सब इस हक को हासिल करके ही रहेंगे। अभी कुछ साथी हिंदू शब्द की बात कर रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, तो बाबा साहब ने जो बोला था कि हम हिंदू नहीं हैं, खाली इतने कह देने भर से काम नहीं चलेगा। हमें पूरी बात कहनी होगी कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हम हिंदू क्यों नहीं हैं? बाबा साहब ने जब कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे पुरखे हिंदू नहीं थे, हिंदू धर्म उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी गई गुलामी थी, और उस गुलामी से निकलने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, जिस कारण से कि वो उस गुलामी में बने रहे। लेकिन आज भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार है, और हमारे सामने ऐसी कोई समस्या या परेशानी नहीं है कि हम इस हिंदू धर्म में बने रहे। अगर हम लोग अब भी इस हिंदू धर्म में बने रहते हैं, तो हमसे ज़्यादा मक्का और धोखे बाद दूसरे नहीं होंगे। ये बाबा साहब ने पूरी बात कही। जब बाबा साहब ने 1956 में जब इस काम को करके दिखाया, हिंदू धर्म से बाहर आए जब वो, तो एक धनंजय कीर नाम साहब है उनका, धनंजय कीर नाम जो एक इतिहासकार रहे हैं, तो बाबा साहब के ऊपर उन्होंने खोख लिखी है। तो वो बाबा साहब के पास गए कि बाबा साहब, अब तो आपने बहुजन समाज और भारत की जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इतना बड़ा सुंदर संविधान दिया है, और अब आपने जो ये अपना हिंदू धर्म जो छोड़ा है, इसके बारे में आपकी अब क्या कहना है समाज के लोगों के लिए? तो बाबा साहब ने ये कहा कि मैं जो अपने समाज को 2200 साल की गुलामी से संविधान